नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या मान लिया जाए कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है? विपक्ष का आरोप लगाना अलग बात है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन बहुमत से लबालब और एक मजबूत सरकार भी यही आरोप लगाए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो फिर इस हत्या का इंसाफ कौन करेगा? 11 अगस्त को राज्यसभा में क्या हुआ, इस मामले में अब सरकार भी एक पक्षकार हो गई है। उसने भी विपक्ष पर मारपीट के आरोप लगा दिए हैं, जबकि विपक्ष का आरोप है कि मार्शल बुलवाकर उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। किसने किया इसका फैसला भले अभी नहीं आ सकता, लेकिन यह साफ है कि राज्यसभा में 11 अगस्त को मारपीट हुई है। संसदीय पत्रकारिता करने वाले कई पत्रकार क्यों कह रहे हैं कि 11 अगस्त को राज्यसभा में जो हुआ वैसा उन्होंने 3-3 दशक की संसदीय पत्रकारिता में कभी नहीं देखा। दोनों पक्षों ने इस घटना को लेकर सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात की है, अपना पक्ष रखा है। विपक्ष की महिला सांसदों ने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, चोटें आई हैं। अगर सदन में सांसद सुरक्षित नहीं है तो फिर मान लेना चाहिए कि आम आदमी की आवाज की आखिरी चौखट टूट चुकी है। यह मामला बेहद गंभीर है। दो दोस्तों का झगड़ा नहीं कि सारी बहस इसी पर होती रहे कि पहले किसने किसको क्या बोला। जांच इसकी होनी चाहिए कि जो हुआ वो क्यों हुआ, क्या हुआ, और बात सिर्फ 11 अगस्त की घटना को लेकर होनी चाहिए, न कि आगे पीछे की 150 बातों को इससे जोड़ा जाए। इसका जवाब सिर्फ इस मामले से जुड़े तथ्यों से दिया जाना चाहिए, न कि आगे पीछे के उदाहरणों से। संसद का सत्र समाप्त हो चुका है। जाहिर है यह बहस अब मीडिया के मैदान में होगी, और गोदी मीडिया का मैदान किसका है आप जानते हैं। आज दिन में जब विपक्ष का मार्च हो रहा था तब एक घटना हुई जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्राइवेट समाचार एजेंसी का एक ऐसा वीडियो फुटेज ट्वीट करना जो राज्यसभा के भीतर का था। इस एजेंसी के पास राज्यसभा का फुटेज कैसे आया यह सोर्स का मामला नहीं है, यह एक भौतिक संपत्ति है, फिजिकल प्रॉपर्टी है जिस पर सदन का अधिकार होता है, जिसे आप बिना किसी की इजाजत से हासिल नहीं कर सकते हैं। यह सूत्रों वाली खबर नहीं है कि किसी से सुनी गई और खबर लिख दी गई। ANI के पास यह वीडियो फुटेज कैसे आया? #watch संसद में कल विपक्षी सांसदों के मार्शलों के साथ मारपीट का CCTV फुटेज। इस लाइन के साथ ANI राज्यसभा का CCTV का वीडियो फुटेज ट्वीट करती है। बकायदा यह वीडियो न्यूज चैनलों को अपलिंक करती है, जिसे कई घंटों तक अलग अलग चैनलों पर दिखाया जाता है। ट्विटर पर लाखों लोग देखते हैं, लेकिन इस वीडियो के जरिए एक तरफा पक्ष क्यों रखा गया? राज्यसभा में कई एंगल से CCTV कैमरे लगे होते हैं, एक कैमरे का ही फुटेज क्यों दिया गया? बाद में कहा गया कि नियम है कि संसद के भीतर का फुटेज नहीं दिखा सकते, लेकिन तब तक बहुतों ने दिखा लिया था। विपक्ष का आरोप है कि जब वह प्रदर्शन करता है तो संसद के टीवी पर नहीं दिखाया जाता है, फिर यह फुटेज कैसे बाहर आ गया? बाकी फुटेज क्यों नहीं बाहर आया? राज्यसभा के भीतर जो कुछ हुआ उसे लेकर सरकार के अलग आरोप हैं, विपक्ष के अलग आरोप हैं। राज्यसभा के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन कल शाम 6:23 पर ट्वीट करते हैं, जिससे पता चलता है कि विपक्ष इस घटना को किस तरह से पेश कर रहा है। अपने ट्वीट में डेरेक लिखते हैं कि सदन के अंदर सांसदों से ज्यादा सुरक्षा कर्मी हैं। मोदी शाह का गुजरात मॉडल दिल्ली में स्थापित हो चुका है। यह तस्वीर 11 अगस्त की 6:15 की है। ये वो तस्वीर है जो राज्यसभा टीवी आपको नहीं दिखाएगा। और आगे डेरेक लिखते हैं कि सरकार बीमा बिल को जबरदस्ती पास कराना चाहती है। एक दूसरे ट्वीट में डेरेक बताते हैं कि विपक्ष के सांसद वीडियो बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो वो वीडियो कहां है? जो तस्वीर अभी आपने देखी उसमें धक्का मुक्की नहीं है, लेकिन मार्शल की मौजूदगी दिखती है। उस वक्त की घटना की झलक मीडिया रिपोर्ट में मिलती है, लेकिन हर आरोप का हवाला या प्रमाण नहीं मिलता है। हिंदू अखबार की दामिनी नाथ और शोभना के नायर की रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट को भी डेरेक ओ'ब्रायन ने ट्वीट किया है।
इसमें लिखा है कि उस वक्त जनरल इंश्योरेंस बिल में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया था। इस बिल से सरकार को अनुमति मिलती है कि सरकारी बीमा कंपनियों में वह अपनी हिस्सेदारी कम कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर का शेयर बढ़ा सकती है। विपक्ष मांग कर रहा था कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजें ताकि वहां पर विस्तार से विचार विमर्श हो। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजय साई रेड्डी, टीडीपी सांसद के रविंद्र कुमार मांग कर रहे थे। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि सारा देश लोकतंत्र की हत्या देख रहा है, यह कैसे हो सकता है। तृणमूल सांसद सुखेंदु शेखर रे ने कहा कि इस बिल का विरोध करते हैं क्योंकि इसे चंद उद्योगपतियों के लिए लाया गया है। जब सरकार बिल लाने पर आमदा हो गई तब सीपीएम सांसद बिनॉय विश्व स्पीकर के आसन के नीचे रखी मेज पर चढ़ने लगे, जिसे रिपोर्टिंग टेबल कहते हैं। आसन पर मौजूद बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने सदन स्थगित कर दी। चंद मिनटों में 10 महिला मार्शल और 50 पुरुष आ गए और उन्होंने मानव श्रृंखला बना ली, ये हिंदू की रिपोर्ट में है। विपक्ष के सांसदों को वेल में आने से रोका। सेलेक्ट कमेटी में बिल भेजने की मांग न तो अलोकतांत्रिक है न अमर्यादित। सरकारें हमेशा से विपक्ष की इस मांग पर बिल के मसौदे को सेलेक्ट कमेटी में भेजती रही हैं। फिर इस बिल को क्यों नहीं भेजा जा सकता था? क्यों हंगामे के बीच इतना महत्वपूर्ण बिल पास किया गया? एनसीपी नेता और वरिष्ठ सांसद शरद पवार ने इस घटना के बारे में कहा है कि 55 साल के संसदीय जीवन में महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की कभी नहीं देखी। 40 से अधिक महिलाओं एवं पुरुषों को बाहर से सदन में लाया गया, ये पीड़ादायक है, लोकतंत्र पर हमला है। इस सरकार के विरोधी होते हुए भी शरद पवार सरकार को लेकर अनर्गल आरोप नहीं लगाते हैं, बल्कि कभी कभी तो करीबी बता दिए जाते हैं, उनका आरोप है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी ने महिला सांसदों से बात की जिनका कहना है कि उन्हें चोटें आई हैं, धक्का मुक्की हुई है। विपक्ष की सांसद रानी नेरा, छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम ने आरोप लगाए हैं। हमारे साथ दो महिला सांसद हैं जो कल राज्यसभा में मौजूद थी, उनसे पूछते हैं रानी क्या हुआ था राज्यसभा में कल? कल तो हम लोग का जब लेडी मार्शल देकर के हमारा लेडी एमपी को बहुत सही किया है और लॉ भी पास किया है, ऐसा करके जितना भी पास किया है जल्दीबाजी में कर दिया है, आज भी कर सकता था। लेकिन 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 इसके लिए शायद इसके लिए आप लोग को जिम्मेदार ठहरा जा रहा है, विपक्ष ने हंगामा किया, कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं। खुद देखिए सरकार में जो है उनकी जिम्मेदारी होती है सदन चलाना और 5 मिनट में 3 बिल पास कराना, ये कहाँ के नियम में है? और बिना बताए बिना जानकारी के एकाएक बिल ले आना, ये भी गलत है। पूरी तरह से ये डेमोक्रेसी का मर्डर कर रहे हैं। कल हुआ क्या था महिलाओं के साथ? आप लोग महिलाओं के साथ पुरुष मार्शल लोग धक्का मुक्की किए थे। देखिए हमारी छत्तीसगढ़ की सांसद जिसके हाथ में मोच आया है, क्या नाम है आपका? फूलो देवी नेता। क्या हुआ था आपके साथ, दिखाइए आपको? ये मेरे साथ मार्शल धक्का धूमी करे जिसके तहत गिरी और दोनों हाथ को पकड़े और मेरे को धक्का दिए जिसके कारण चोट आई है जगह जगह पे। ये जिम्मेदार आप लोगों को ठहरा रहे हैं कि आप लोगों के पास सब हिंसा हुई है? सवाल जिम्मेदार हमारे पास कि वो अपना अपने गलतियों को छुपाने के लिए जिम्मेदार हमारे ऊपर ठा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी को, इतने दिन तक सांसद चल रहे हैं, क्यों सदन में आके जवाब नहीं दे रहे हैं? हमारे मांगों को क्यों नहीं सुन रहे हैं? विपक्ष से क्यों चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी है, कहीं ना कहीं खोट है, जो जनता के हित में आवाज उठाते हैं उस आवाज को बंद करने का कोशिश करते हैं। इन लोग मार्शलों के द्वारा जिसके साथ 3 लेयर के साथ मार्शलों को खड़े कर दिया गया, यहाँ तक कि महिला सांसद को भी नहीं बख्शा गया और पुरुष मार्शल धक्का दी गई। विपक्ष के सांसदों ने इस घटना के विरोध में मार्च निकाला, संसद के गेट से मार्च निकला और सभी विजय चौक पर जमा हुए। ये पोस्टर बैनर लिए हुए जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं। इस मार्च में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के कई सांसद, राजद नेता मनोज झा, शिवसेना के संजय राउत, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन सहित महिला सांसदों ने भी हिस्सा लिया, जिनका आरोप है कि उनके साथ अभद्रता हुई, धक्का मुक्की हुई। सांसदों ने आरोप लगाया कि सदन के भीतर बाहर से लोग वर्दी में लाए गए महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की के लिए, यह कोई साधारण इल्जाम नहीं है। यही नहीं, विपक्ष के नेताओं ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को एक ज्ञापन भी दिया है और मामले की जानकारी दी है।
इसके बाद 12:30 बजे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिलने पहुंचे। आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? मैं मीडिया का आदमी हूँ। नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो, क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। आप बताने दीजिए, आप बताने दीजिए, आप बताने दीजिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई, और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूँ और हिंदुस्तान को बताता हूँ, यहाँ हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। राजद सांसद मनोज झा ने भी बुधवार की घटना का ब्यौरा देते हुए कहा है कि बीमा बिल को पास करने के लिए मार्शल लाया गया था। कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है। उसी तरह जैसे कृषि कानून, संसद में हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम काले कानूनों, किसान कानूनों की वापसी चाहते थे, हम पेगासस पर चर्चा चाहते थे, और इन सारी चर्चाओं में देश की सत्ता प्रतिष्ठान का अहंकार और गुरूर सामने आ रहा था। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारा मानना है कि जब संसद को आवारा बना दिया जाए, लोहिया जी कहते थे, तो सड़कों को रोशन करना होगा। ये शुरुआत है सड़कों को रोशन करने की, और यकीन दिलाते हैं इस अहंकार का प्रतिकार जनता करेगी। यह आरोप सामान्य राजनीतिक आरोप नहीं है। सरकारी बीमा कंपनी का मामला इतना भी हल्का नहीं है कि हंगामे में पास हो और महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की का आरोप लगे। पूरे सत्र के दौरान क्या हुआ, उन बातों को बताते हुए इसे छोटा नहीं किया जा सकता है। इस घटना को आप बिहार विधानसभा में हुई घटना के बिना नहीं समझ सकते, जो इस साल मार्च में हुई थी। और देखिए कि लोकतंत्र की इस हत्या को लेकर तब नीतीश कुमार ने क्या कहा था, बीजेपी ने क्या कहा था, पीयूष गोयल ने क्या कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, जब मार्च के महीने में बिहार विधानसभा में पुलिस बुलाई गई। यह सिर्फ आरोप नहीं था कि पुलिस ने विधायकों को मारा है, बल्कि महिला विधायकों से लेकर विपक्ष के दूसरे विधायक इस तरह घसीटकर बाहर लाए गए, उन्हें मारा गया, उनके वीडियो हैं। विधायकों को चोटें आई, उन्हें स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल ले जाना पड़ा। बिहार का विपक्ष इस घटना को नहीं भूला। जब इस बार सत्र शुरू हुआ तो विधायक हेलमेट पहनकर आ गए, बताने लगे कि सदन में वे सुरक्षित नहीं है, भयभीत हैं। जांच और कार्रवाई नहीं हुई है, तब जाकर 2 पुलिस वालों को निलंबित किया गया, किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। बाद में बिहार विधानसभा के स्पीकर ने माना है कि गलती हुई है और पुलिस ने विधायकों को बूट से मारा है। गलती हुई है, अपमान हुआ है,
वह अपमान इस आसन का नहीं, इस सदन का हुआ, क्योंकि सभी इस आसन से जुड़े हुए उनकी आस्था का अपमान हुआ है। किसी विधायक को अगर जो बूट मारा गया तो वो एक व्यक्तिगत उस विधायक का नहीं, विधायिका का अपमान हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज से साबित हो जाएगा कि राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर प्राइवेट समाचार एजेंसी एएनआई को जांच से पहले एक कैमरे का फुटेज किसने जारी किया, उसका इरादा क्या था। आज विपक्ष के सांसद सड़क पर उतरे तो सरकार ने भी अपने 8-8 मंत्री उतार दिए। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सचेंज अफेयर्स, 8 मंत्रियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतारा जाना बता रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर रहना नहीं चाहती। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, मुख्तार अब्बास नकवी और वी मुरलीधरन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रियों ने 11 अगस्त की घटना पर भी बात की और पूरे सत्र के दौरान क्या हुआ उस पर भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का काफी बड़ा हिस्सा इसी पर रहा कि संसद के सत्र में क्या क्या हुआ। सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, विपक्ष नहीं माना। मंत्रियों का सदन में परिचय नहीं हुआ, पेपर फाड़े गए, चेंबर में जबरन घुसने का प्रयास हुआ, टेबल पर चढ़कर विपक्ष ने प्रदर्शन किया, आसन के ऊपर रूल बुक फेंका गया। लेकिन आज सवाल एक ही है, 11 अगस्त की शाम राज्यसभा में क्या हुआ, क्या विपक्ष के आरोप सही हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि बीमा बिल को लेकर विपक्ष ने धमकी दी थी। वी वर थ्रेटन्ड सेइंग दैट इफ यू ट्राई टू पास द बिल द मॉर्निंग इटसेल्फ वी वर थ्रेटन्ड, आई एम यूजिंग द वर्ड्स वेरी केयरफुली, वी वर थ्रेटन्ड If you try to pass the bill, insurance bill and other bill by evening, after the passage of OBC bill, then more disastrous situation you can see in the evening. What had happened yesterday, that was climbing on the table. More than that, it is going to happen. This was clearly told. In unambiguous term, it was told to us. संसदीय कार्य मंत्री ने नहीं बताया कि किसने धमकी दी, नाम बताना चाहिए किसने दी। क्या संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यसभा को सूचना दी कि विपक्ष विनाशकारी परिणाम की धमकी दे रहा है, ऐसे में बिल लाना उचित नहीं होगा। उस समय का पूरा फुटेज और रिकॉर्ड से ही इसका जवाब मिल सकता है। सवाल उठता है कि जब ऐसी हालत थी तब बिल क्यों लाया गया। संसदीय परंपरा तो यही है कि जब तक सदन व्यवस्था में ना हो, ऑर्डर में ना हो, बिल पास ना हो। यहां सवाल है कि क्या महिला सांसदों पर हाथ उठाया गया, क्या उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। मिस्टर पवार वॉज रॉन्गली इन्फॉर्म्ड मे बी बाय समबडी, इज अ वेरी सीनियर लीडर, बट आई हैव जस्ट गिवन यू द फिगर्स। ऑल ऑफ द पीपल वर पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस ऑफिशियल्स, मार्शल्स, 12 लेडी मार्शल्स कंसिडरिंग द वुमेन मेंबर्स, 18 मेल मार्शल्स and male security personnel, my apologies, 12 and 18, 30 in total. So their figures are wrong, their allegations are wrong, that they were outsiders who came in. And last but not the least, I would like to urge Honorable Shri Sharad Pawar ji to introspect on the behavior of the opposition throughout the whole parliament session, to introspect whether the parties with which he is standing today, is that what he has seen in 40 years or 55 years of his parliamentary career? Has he ever seen this type of thing? I would like to urge Honorable Shri Sharad Pawar ji to kindly look at the video footage of what has happened over there. Marshals or security staff, kisi paksh ke nahi hote. Na wo vipaksh ke hai, na sattarudh paksh ke hai. Wo parliament ki security ka kaam karte hai. Aur humne to kisko appoint nahi kiya hai. ये मेरे ख्याल से इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप झूठे हैं और पूरे झूठ के आधार पे ये मैंने जैसे कहा ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, इश्यू से डिविएट कर रहे हैं। पीयूष गोयल और भूपेंद्र यादव ने कहा है कि हमला करने वाले सांसदों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने तो यहां तक आरोप लगा दिया है कि महिला सांसद महिला मार्शल पर हाथ उठा रही थी। इसका मतलब है राज्यसभा में ऐसा कुछ हुआ जो अति गंभीर था।
जिन महिला सांसद का आरोप लगाया जा रहा है उनका तो फुटेज सामने आ गया, वो तो बल्कि उसका उल्टा है, वो तो खुद मार्शल के साथ हाथापाई कर रही है और जो महिला मार्शल है उसके साथ बाकी सांसद कैसे किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। एक संसदीय आचरण और परंपरा में जो वो कह रहे हैं वो तो वही फुटेज दिख रहा है जिसको वो कह रहे हैं, और कौन सा फुटेज उनको देखना है। आप आचरण एक के बाद एक देखिए संसद में, ये सारे आचरण कैसे हैं, इसका जवाब कौन देगा। जब जनता के हित की बात आती, जब जनता के बिल बनाने की बात आती, जब जनता के लिए कानून बनाने की बात आती तो वो फिर हंगामा करने लग जाते। लोकतंत्र में कहीं हिंसा का स्थान नहीं है। संसद विचारों के आदान प्रदान करने के लिए, हाथापाई करने के लिए नहीं है। सरकार के पास इतना बहुमत है कि वह किसी भी नियम के तहत चर्चा करा सकती थी। मतदान भी होता तो भी सरकार को कुछ नहीं होता, तब फिर सरकार ने विपक्ष की यह बात क्यों नहीं मान ली। अगर विपक्ष पर संसद ना चलने देने का आरोप मजबूत है तो सरकार पर भी नहीं चलने देने का आरोप उतना ही मजबूत है। मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डेरेक ओब्रायन ने एक वीडियो जारी किया और सरकार से 8 सवाल पूछे। उनका सवाल था कि लोकतंत्र की चिंता करने वाली सरकार बताए कि 10 मिनट की औसत चर्चा में 38 बिल क्यों पास किए गए और अब 10 में से एक बिल को ही स्क्रूटनी के लिए क्यों भेजा गया, मतलब बिल की जांच के लिए सिलेक्ट कमेटी में। डेरेक ओब्रायन ने यह भी आरोप लगाया है कि 5 साल में प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में एक बार भी जवाब नहीं दिया है। अगर यह सही है तो क्या यह साधारण बात है? Why has the Prime Minister of India not answered a single question, not one question, in answered in the Rajya Sabha by the Prime Minister in the last 5 years? Manmohan Singh ji answered 22 questions. Number 6, you're doing press conferences, answer these questions, don't faff. 6, why in 2 years government still hasn't elected a deputy speaker in the Lok Sabha? Why no deputy speaker? 7, why didn't you allow the opposition a discussion on Pegasus, internal security, repeal of farm laws? Why? Government must have its way, opposition must have its say. And my last question to those 8 ministers, whose business is it to run parliament? Is it the government business to run parliament responsibility or the opposition's responsibility? And who is the government accountable to? The people. We're representing the people. You don't have answers. You have faff. दोनों पक्ष कह रहे हैं कि धक्का मुक्की हुई है, मारपीट हुई है। विपक्ष की महिला सांसद कह रही हैं कि मार्शल ने धक्का मुक्की की, उन्हें चोटें आईं। मंत्री कह रहे हैं कि महिला सांसदों ने मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की। विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र की हत्या हुई है, सरकार कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, आप जिंदा तो है ना? ब्रेक ले लीजिए। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के लॉक होने के 4 दिन बाद आज पार्टी का ट्विटर हैंडल भी लॉक कर दिया गया। इसके अलावा 5 कांग्रेसी नेताओं रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, सुष्मिता देव, जितेंद्र सिंह और मणिकम टैगोर के अकाउंट भी कुछ समय के लिए लॉक कर दिए गए। अभी तक कांग्रेस के इस दावे पर ट्विटर से कोई जवाब नहीं आया है। उमा शंकर सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पेज के जरिए जानकारी दी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट INC इंडिया को लॉक कर दिया गया है। स्क्रीनशॉट के मुताबिक राहुल गांधी के समर्थन में INC इंडिया ने ट्विटर को चुनौती दी थी कि वो उसका भी हैंडल ब्लॉक कर दिखाए। अजय माकन और रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कांग्रेस के नेताओं और संगठनों से जुड़े करीब 30 अकाउंट को अब तक लॉक किया गया है। बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लोकतंत्रता के एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। और अगर हम लोकतंत्रता को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम आए हैं यहाँ, इसका मतलब यह है कि लोगों को अपनी राय बोलने का हक मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में ये तो कानून के अंदर ही कर सकते हैं। ट्विटर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उसने ऐसे सैकड़ों हैंडल पर कार्रवाई की है जिन पर ट्विटर नियम का उल्लंघन कर पहचान जाहिर करने वाली तस्वीर को पोस्ट किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली में कथित तौर पर बलात्कार और हत्या की शिकार 9 साल की बच्ची के परिजन की तस्वीर ट्वीट करने के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अकाउंट
पांच दिन पहले ही लॉक कर दिया गया था। कांग्रेस इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है और ट्विटर से बात भी। मैं तो ट्विटर से बात करके इस विषय को आगे ले आना कोशिश कर रहा हूँ। राहुल गांधी के अकाउंट पर कार्रवाई के लिए सरकार की तरफ से ट्विटर को शिकायत दी गई थी। कांग्रेस ट्विटर पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगा रही है। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर इस तरह के आरोप लगाए हैं और कहा है कि खासतौर पे कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ट्विटर और सरकार के त्रिकोणीय मुकाबले में एक दिलचस्प मोड़ ये आ गया है कि कांग्रेस के कई सारे नेता और कार्यकर्ता अपने ट्विटर हैंडल का नाम राहुल गांधी के नाम करने लगे हैं। शुरुआत यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने की। कांग्रेस और इसके कई नेताओं के ट्विटर हैंडल जब रिस्टोर होंगे तब होंगे। इस बीच एक कांग्रेसी की ही टिप्पणी दिलचस्प है कि अगर ट्विटर से कटे तो जमीन से ज्यादा जुड़ेंगे। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश में पिछले साल 226 पत्रकारों को निशाना बनाया गया। इसमें उनकी हत्या, मारपीट, मुकदमे और धमकी देने के मामले हैं। इनमें 114 पत्रकार सरकार या प्रशासन का निशाना बने। 13 पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं और 37 हिरासत में लिए गए। पत्रकारों पर आईपीसी की दफाओं के अलावा यूएपीए, महामारी अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, आईटी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम जैसे कानूनों के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये आंकड़े इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2020 में सामने आए हैं। कमाल खान की ये रिपोर्ट। यूपी के सीतापुर जिले की महोली तहसील में पिछले कोरोना के दौरान अनाज बट रहा था। स्थानीय पत्रकार रविंद्र सक्सेना के मुताबिक अनाज खराब था, उसमें कीड़े थे। उन्होंने अनाज पाने वाले बुजुर्ग से ये बातचीत दिखाई। साहब खराब है। क्या हो गया था पता है? किसने दिया चावल आपको? ये टोनियम बंद थे, वो छोड़े गए हैं, ये दिए हैं पैकिंग। किसने आपको दिया था ये? ये तहसील, ये नगर पंचायत वाले ने दिया। तो ये आपके सारे सभी खराब निकल गए हैं चावल? तो एक पैकेट निकला है। रविंद्र सक्सेना पे वहाँ के लेखपाल की शिकायत पे 8 दफाओं में मुकदमा हो गया। अपने द्वारा खबर चलाई गई को डीएम को दिखाया भी गया था, तो डीएम ने कहा था कि आप बिल्कुल अपनी जगह पर सही हैं, मैं इसकी जांच कराता हूं और संबंधित लेखपाल से मिलकर इसको पैचअप कराता हूं। वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल को गुजरात में 22 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया था कि उनके 24 और 27 जून के 3 ट्वीट्स आपत्तिजनक और घांची समाज के खिलाफ हैं। आकार पटेल कहते हैं कि देश में कई ऐसे कानून अभी भी हैं जिनसे पत्रकारों को दबाव में लिया जाता है। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 142वें नंबर पर है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में ऐसे बहुत से कानून हैं, जैसे कि सेडिशन है, क्रिमिनल डेफामेशन है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, जिसके जरिए सरकार जो है पत्रकारों पर दबाव डालती है और पत्रकार ये महसूस करता है कि वो अपना काम नहीं कर पाता। पत्रकारों के खिलाफ 2020 में हुए मामलों को अगर राज्यवार देखें तो इनमें उत्तर प्रदेश में 37, महाराष्ट्र में 22, जम्मू कश्मीर में 18, दिल्ली में 15, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में 11, तमिलनाडु में 10, गुजरात, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में 8, आसाम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरला, उड़ीसा में 7, पंजाब में 6, राजस्थान में 5, बिहार और मध्य प्रदेश में 4, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और झारखंड में 2, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, गोवा, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और उत्तराखंड में 1-1 मामले हुए। देहरादून के पत्रकार राजेश शर्मा को पुलिस ने 31 जुलाई 2020 को गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर कई आपराधिक दफाओं के साथ दफा 124A में देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया। राजेश कहते हैं कि पुलिस वालों ने उनसे कहा कि उन्हें विकास दुबे की तरह मारने का आदेश है। रास्ते में उन्होंने मुझे कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उस समय के मुख्यमंत्री थे कि तुम उनके खिलाफ अपने अखबार में बहुत खबरें लिख रहे हो और अब राजद्रोह का मुकदमा झेलो, अब पता चल जाएगा, 2 साल से पहले नहीं छुटोगे। यूपी के बलरामपुर में 27 नवंबर 2020 को पत्रकार राकेश सिंह निर्भीक को सैनिटाइजर छिड़क के जला के मार डाला गया क्योंकि वो गांव के प्रधान के भ्रष्टाचार की खबरें छापते थे। प्रधान का बेटा उनके घर आया, उन्हें शराब पिलाई, जब नशे में हो गए तो उनके ऊपर सैनिटाइजर छिड़क कर
उन्हें जला दिया गया। पुलिस ने बताया कि उन्हें जलाने के लिए प्रोफेशनल पायरोटेक्निक एक्सपर्ट का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद उनके घर में आग लगा दी गई। जब पूछताछ इसमें शुरू की तब इसके अंदर रंजिशों का एंगल निकल करके आया। राकेश सिंह निर्भीक एक पत्रकार थे और काफी निर्भीक पत्रकार थे, तो उन्होंने कई बार ऐसा था कि कई लोगों के खिलाफ लिखा था। और अभी हाल में ही उन्होंने अपने वीडियो में भी बताया था कि जो उनके गांव के प्रधान थे उनके खिलाफ ये लिख रहे थे। पत्रकारों को निशाना बनाने वालों में तमाम सरकारें, प्रशासन, तमाम पार्टियों के नेता, भीड़, अपराधी और बड़ी तादाद में सोशल मीडिया के ट्रॉल्स शामिल हैं। यही वजह है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें नंबर पे आता है। ब्यूरो इनपुट्स और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।